हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर होज के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि फायर होज यानी कि क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि फायर होज के कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि होजरील होज क्या होता है। और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि ये जो होज है इनकी लेंथ क्या होती है और इसका डायमेंशन क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि फायर होज यानी कि होता क्या है। तो फायर होज यानी कि ये एक हाई प्रेशर होज होता है जो वाटर को कैरी करता है, या फिर अदर जो फायर रिटार्डेंट यानी कि फोम जो होता है उसको कैरी करता है, या फिर वाटर को कैरी करता है आग के ऊपर उसको बुझाने के लिए। या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि होजेस जो है वो एक फ्लेक्सिबल पाइप होता है जिसका इस्तेमाल वाटर को कन्वे करने के लिए होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह उस पानी को कन्वे कर सकते हैं। और ये जो फायर होज होता है ये अटैच होता है आइदर फायर इंजन हो, फायर हाइड्रेंट हो, या फिर पोर्टेबल जो फायर पंप होता है उसके साथ ये अटैच होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर को कैरी करना हाइड्रेंट से लेके पंप तक, या फिर वाटर को कैरी करना इस फायर होज के जरिए फायर टेंडर से लेकर जहां पर आग लगी है वहां तक। चलिए अब जानते हैं कि फायर होज के टाइप्स क्या है। तो फायर होज के मेनली जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है वो है सक्शन होज और दूसरा आता है डिलीवरी होज। तो सक्शन होज के भी यहाँ पर दो टाइप होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है पार्शियली इम्बेडेड सक्शन होज और दूसरा टाइप आता है फुल्ली इम्बेडेड सक्शन होज, जिसे स्मूथ बोर भी कहा जाता है। और वैसे ही डिलीवर होज के भी तीन टाइप होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है परकुलेटिंग होज, फिर उसके बाद है नॉन परकुलेटिंग होज और थर्ड है होजरील होज। तो इस प्रकार जो है फायर होज के टाइप्स होते हैं। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि फायर होज के आप अगर कहीं पर वेबसाइट में जाओगे या फिर कहीं यूट्यूब पर जाओगे तो वहां पर आपको इसके तीन टाइप्स मिलेंगे, जो है सक्शन होज, डिलीवरी होज और तीसरा जो टाइप है वो है होजरील होज। लेकिन मैंने यहाँ पर डिलीवरी होज में ही होजरील होज को यहाँ पर रखा है, क्योंकि होजरील होज जो है वो डिलीवरी होज का ही काम करता है। यानी कि सक्शन होज में क्या होता है कि वो पानी को वहां पर सक करता है जहां पर उसका पंप लगा हुआ है, और डिलीवरी होज में क्या होता है कि पानी को जो है वो जहां पर आग लगी है वहां पर उसको बुझाने के लिए वो पानी को पास आउट करता है। तो होजरील होज जो है वो डिलीवरी होज का ही काम करता है, क्योंकि वो पानी को वहां पर डिलीवर करता है, इसलिए होजरील होज को डिलीवरी होज में कैटेगराइज किया गया है। तो इसलिए आपको यहाँ पर होजरील होज के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है कि वो फायर होज का तीसरा टाइप है या नहीं है, या फिर वो डिलीवरी होज में ही क्यों आता है। चलिए अब हम इस टाइप ऑफ होज को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो अब जानते हैं कि सक्शन होज यानी कि होता क्या है। तो सक्शन होज में क्या होता है कि जो पंप है, पंप का जो सक्शन साइड है वहां पर ये कनेक्ट होता है, यानी कि पंप का जो इनलेट है वहां पर ये कनेक्ट होता है जहां पर वाटर जो है वो उसमें पासिंग थ्रू होता है। और ये जो सक्शन होज है ये सब्जेक्टेड होता है आइदर उसका एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। और सक्शन होज के भी यहाँ पर दो टाइप है, जो है पार्शियली इम्बेडेड सक्शन होज और दूसरा है फुल्ली इम्बेडेड सक्शन होज। तो अब हम जानते हैं कि पार्शियली इम्बेडेड जो सक्शन होज होता है यानी कि क्या होता है। तो पार्शियली इम्बेडेड जो सक्शन होज है उसे खास तौर से बनाया जाता है टफ जो रबर लाइनिंग है उसके जरिए, और वो इम्बेडेड होता है गैल्वनाइज स्टील वायर से। तो ये जो पार्शियली इम्बेडिंग यहाँ पर होती है उसे खास तौर से इस प्रकार अरेंज किया जाता है ताकि उसके अंदर से जो वाटर वे है वो अच्छे से वहां पर हो सके। और इस होज की जो वॉल होती है वो प्रिपेयर की जाती है सेवरल जो कैनवास के लेयर हो या फिर रबर लाइनिंग से, ये वॉल जो है वो प्रिपेयर की जाती है। इस टाइप के होजेस में मेटल वायर जो है वो फुल्ली इम्बेड नहीं होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फुल्ली इम्बेडेड सक्शन होज यानी कि क्या होता है। तो फुल्ली इम्बेडेड जो सक्शन होज है उसमें इंटरनल जो रबर लाइनिंग है वो काफी पतली होती है, और इसको इम्बेडेड किया जाता है स्पाइरल ऑफ वायर से। और इस सक्शन होज को इस प्रकार कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसका जो प्रेशर रहेगा वो 10.5 बार जो है वो वहां पर विदस्टैंड हो सकता है। इस टाइप के होजेस में मेटल वायर जो है वो फुल्ली इम्बेडेड किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो सक्शन होज है वो काफी स्ट्रांग होता है।
चलिए अब जानते हैं कि डिलीवरी होज यानी कि क्या होता है। तो डिलीवरी होज जो है वो पंप का जो आउटसाइड होता है यानी कि पंप का जो डिलीवरी साइड है वहां पर इसको लगाया जाता है, जिसमें वाटर जो है वो इससे पासिंग थ्रू होता है और इसका जो प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उससे ज्यादा होता है। डिलीवरी होज को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसका सबसे पहला है परकोलेटिंग होज, दूसरा है नॉन परकोलेटिंग होज और थर्ड है होज रेल होज। तो अब ये परकोलेटिंग होज यानी कि क्या होता है? तो परकोलेटिंग होज का मेनली जो इस्तेमाल है वो फॉरेस्ट की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, यानी कि फॉरेस्ट की जो फायर है उसके साथ फाइट करने के लिए इस परकोलेटिंग होज का इस्तेमाल किया जाता है। इस होज का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर का जो वाटर है वो सीपेज के जरिए बाहर आने लगता है। तो ये जो सीपेज ऑफ वाटर इसमें से होते रहता है, इसकी वजह से होज को डैमेज होने से ये बचाता है। जैसे कि जमीन जो है वो हॉट ग्राउंड हो और इसमें से अगर वाटर सीपेज होते रहता है तो इस होज को ये डैमेज होने से बचाता है। अब जानते हैं नॉन परकुलेटिंग होज के बारे में। तो फायर सर्विसेज में क्या होता है कि नॉन परकुलेटिंग जो होसेस है उसका खास तौर से पानी को डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉन परकुलेटिंग होज में कंसिस्ट किया जाता है रेनफोर्स जैकेट का, जिसको बनाया जाता है पॉलिस्टर या फिर नायलॉन यान से। इस टाइप के होज में वल्कनाइज जो रबर है उसका इनर लाइनिंग होता है, जिनको रेनफोर्स जो जैकेट है उसके ऊपर फिक्स किया जाता है। नॉन परकुलेटिंग जो होज है वो सर्टन एप्लीकेशंस में रिकमेंड किया जाता है, जैसा कि इसका फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो बहुत ही कम रहेगा एज कम्पेयर टू परकुलेटिंग होसेस। अब जानते हैं होज रिल होज के बारे में। तो होज रिल जो है उसमें सिलिंड्रिकल स्पाइंडल होता है, जो बनाया जाता है आइदर मेटल हो, फाइबर ग्लास हो, प्लास्टिक हो उससे, और इसका जो यूज है वो होज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। होज रिल को जो है वो परमानेंट लोकेशन के ऊपर हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि वॉल माउंटेड होज रिल। अल्टरनेटिवली इसको हम पोर्टेबल भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम अटैच कर सकते हैं ट्रक के साथ में, वेगन हो या फिर कार्ट के साथ में, यानी कि छोटी गाड़ी के साथ में। चलिए अब जानते हैं कि सक्शन होज, डिलीवरी होज और होज रिल होज के क्या लेंथ है और डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं सक्शन होज के बारे में। तो सक्शन होज की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर टू 3 मीटर होती है अकॉर्डिंग टू स्टोरेज स्पेस, और इसका जो डायमेंशन है वो आता है 75 mm, 100 mm, 120 mm और 140 mm। अब जानते हैं डिलीवरी होज के बारे में। तो डिलीवरी होज की जो लेंथ है वो आती है 15 मीटर, 22.5 मीटर, 30 मीटर, और इसका जो डायमेंशन है वो आता है 38 mm, 63 mm और 70 mm। अब जानते हैं होज रिल होज के बारे में। तो होज रिल होज जो है उसकी लेंथ होती है 30 मीटर से लेकर 60 मीटर तक, और ये डायमेंशन में आता है 19 mm। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फायर होज के बारे में, जिसमें हमने जाना कि फायर होज क्या होता है, फायर होज के टाइप्स क्या है, होज रिल होज क्या है और इन होज की क्या लेंथ है और डायमेंशन क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।